तो गाइस तो यहाँ से देख सकते अभी के यहाँ का व्यू देखिए। तो गाइस चलिए अभी हम लोग करते हैं टिफिन, पूरी सब्जी और जलेबी। 108 सिबलिंग है, आज तो हम लोग रिटर्न हो जाएंगे दुर्गापुर के लिए। ठीक है समरिया, हम लोग को मिल चुका है काशी चाट भंडार, देख सकते हैं ये टमाटर चाट फेमस है। बस उसी समय में दुर्गापुर स्टेशन पहुँचने वाले है। हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस से हम लोगों को बनारस में तीसरा दिन है, तीसरा ब्लॉग है, वो दोनों ब्लॉग जाकर देखिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए गंगा नदी में। चलिए आज तो हम लोग रिटर्न हो जाएंगे दुर्गापुर के लिए। तो चलिए हम लोगों को आज का ट्रेवल्स कैसा रहता है रिटर्न जाने का आप लोगों को पता चलेगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ये है हमारा होटल के पास से अभी निकल रहे हैं हम लोग। एक्चुअली यहाँ पर इतना ज्यादा नहा नहा के घूम घूम के तबियत खराब हो गया, सर्दी खांसी हो गया लगता है कि नहीं? गजब बेइज्जती है। अरे तेरे को नहीं हुआ सर्दी? देखिए हमको बोला 7 साल बाद नहाता है, हम तो रोज ही नहाते हो हमको मालूम है। कैसा लग रहा है बनारस से गलियों में घूम के? एक नंबर, एक नंबर। चले चलिए अभी नहाते हैं, नहाने के बाद टिफिन करेंगे, उधर चलेंगे ना, उधर जार खरीदेंगे। जितना ही ब्लॉग आप लोग देख लिए हैं सभी ट्रेन में ट्रेवल्स करने के टाइम में एडिट किए हैं। हमको सिखा दिया है, सब हो गया। अब जीत को आने देते हैं नहा के, उसके बाद हम जाएंगे। सामान सब इधर कॉलू में, इसके वजह से तो गाइस फाइनली अभी हम लोग नहा लिए हैं, इस तरफ पानी ले लिया गंगा जल। चलिए डब्बा वाला को पैसा। शीतला माता का मंदिर है ना? पूजा हो गया, हम लोग शीतला माता के मंदिर में गए थे पूजा करने के लिए। अभी हम लोग चलते हैं रूम पे, पूरा बैग पैक करके निकलना है, हम लोग को होटल एग्जिट करना है 11 बजे। गैस तो मेरा एक ईयरबड्स हरा गया, अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं। गैस तो हम लोग जहाँ रह रहे हैं छत सा व्यू, छत का व्यू यही है, देख सकते हैं। अभी तक कोई आया नहीं हम लोग के साथ में, जितना भी फिर बात होटल से निकलने वाले हैं। हम ही समझदार है, लेकिन ये लोग पहले ही ऊपर चला गया था। ऊपर जाके हम लोग धूप से के हम पर सब चल जाएगा। तो गैस अभी हम लोग फैमिली गेस्ट हाउस के अलविदा कह रहे हैं, बाय बाय टाटा सी यू। अभी हाँ तो इस तरफ हम लोग का हुलिया देख सकते हैं, है कि नहीं? चलिए गाइस तो देख सकते हैं अभिजीत का यहाँ सुविधा है सामान ले जाने का, प्रकाश का भी हालत खराब हो रहा है। मेरा तो एक बैग है। अभी हम लोग फुचा खाए हैं, पान बनवा रहे हैं। ये कौन सा शॉप है आपका, क्या नाम है? सुनील। अच्छा सुनील पान भंडार। सत्य काशी विश्वनाथ टेम्पल के सामने है सुनील पान भंडार वाला, इनका शक्ल देख लीजिए आप लोग, एक बार जरूर आकर ट्राई कीजिएगा। अभी हम लोग बस से जाने वाले हैं स्टेशन। गाइस तो अभी हम लोग जाने से पहले स्टेशन लंच करने के लिए बैठ गए हैं, भूख बहुत ज़ोर से लग गया है, एनर्जी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन प्रकाश भाई भी 5 कदम पे बैग नीचे रख दे रहा है, बहुत ज़्यादा बैग वाले हो। खाना देख सकते हैं खाली। अभी हम लोग का लंच हो गया, चलते हैं स्टेशन, बस आ गया है, फर्स्ट टाइम बस में सफ़र करने वाले हैं। चलिए पीछे चले। तो मेट्रो वाला फीचर हो गया, देखिए वहाँ बस स्टॉपेज लिखाता है तरफ बैठे हुए, क्या ही चाहिए। भाई साहब मिले हैं, इनका एग्जाम देके आ रहे हैं। क्या चीज़ का एग्जाम था आपका, कैसा क्या एग्जाम? बस में लेकिन ट्रेवल करके मज़ा आ गया। गाइस तो वाराणसी सिटी का पूरा मैप है, गाइस तो अभी भी हम लोगों का ट्रेन 1.5 घंटा लेट है,
गाइस तो एक देखिए रेस्टोरेंट है वाराणसी स्टेशन के बाहर ही, एक्चुअली ये रियल का इंजन का बोगी है। अब कौन सा रेस्टोरेंट है इसको दिखाते हैं। अच्छा ये देखिए बाहर तक कुछ ऐसा व्यू आता है। तो भाई साहब कौन सा होटल है, रेस्टोरेंट कौन सा है? अच्छा सॉरी रेल कोच रेस्टोरेंट, ये पब्लिक के लिए है क्या? हाँ देख सकते हैं यही सब है वाराणसी स्टेशन के बाहर। आइए देखिए यहाँ पे ट्रैफिक बहुत बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। इधर है, इधर है, इधर है। ये ऐसे ही रखते हैं क्या? कोई ना है भाई, कैसे करके 20-40 एक ही गिलास, एक ही गिलास, एक गिलास, एक गिलास, एक गिलास। ये कितने का है? 20-40 का। एक ही दीजिए। हम लोग वाराणसी स्टेशन के बाहर गए थे, मुझे थोड़ा सा गाला को भिजा है, ठीक दिना का शरबत दिख गया हम लोगों को। उसका पास दो प्रकार का रेट था, एक बोला 40 और दूसरा बोला 20। हम उसको बोले भैया 20 वाला गिलास दीजिए। वो भी एक भोसड़ी वाला क्या किया, एक गिलास दिया, हम लोग पी लिए, पीने के बाद बोला डायरेक्ट 80 रुपया का भैया, पूरा जज्बात बदल दिया। ये जो आप लोग शॉप देख रहे हैं ये इसका चेहरा देख लीजिए, आप लोग कभी बताइएगा इसका मान चुकी वाला नहीं काम करता है लोगों को, ठीक है। गाइस हम लोग का ट्रेन 4-4 घंटा लेट है, टाइमिंग था 4 बजे के, अभी बता रहा 9 बजे आएगा, देखते हैं। तो ऐसा अगर टिकट नहीं रहता हम लोग कन्फर्म तो आज भर रुक जाते हैं, अगर रुक गए तो कल स्लीपर में धक्का खा के जाना पड़ेगा, इसके वजह से जाना ही पड़ेगा। अच्छा जगह था तो पास में इधर टुमारो ये मोटे गिंडे को स्ट्रॉबेरी खाने का शौक चढ़ गया है। गाइस तो देखिए अगर हम इसका नीचे प्रकाश को उतार देंगे तो शायद इसमें भी जगह कम पड़ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं है। हम लोग 12 घंटा बाद रानीगंज पहुंच रहे हैं, बस उसी समय में दुर्गापुर स्टेशन पहुंचने वाले हैं और उसके बाद घर जाकर सोने वाले, क्योंकि सारा रात सोए नहीं है। देख रहे तो ओह माय गॉड, यही तो है एक अपना पद। अब देख रहे हैं कितना मतलब ट्रेन लग रहा है जैसे कि पहाड़ों के वादियों में चल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। नहीं ना भूला है, नहीं नहीं कोई कुछ नहीं भूला। गाइस तो चलते हैं, सबसे पहले अपना बाइक पार्किंग में से निकालते हैं। गाइस तो इतना ज्यादा हैरेसमेंट हो गया था, आने के बाद सो गए थे। गाइस तो यहाँ पर राष्ट्रीय जाम हो रहा है। डरा रहा लाइट से। ओह माय गॉड कितना था। इधर से आया है। आ जा। आ आ आ। ओह माय गॉड। उधर जाएगी। हट जा हट जा। चले जा चले जा। हाँ सावास। टाटा। इधर 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 इस तरफ। समझा नहीं है। समझ गया। देखे इंसान से ज़्यादा जानवर समझदार है आजकल। क्या जी ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।